हेलो बच्चों लोग, स्वागत है आपका क्वेश्चन नंबर 18 में। जेई मेंस पीवाईक्यू कर रहे हैं अपन, और एज यूजुअल फिर से फेवरेट दिख रहा है यूरिया ग्लूकोज वाला क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया, अच्छी बात है, और 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। शायद लाइफ में यह पहली बार हुआ होगा, ज्यादातर होता नहीं है कि दो दो सॉल्यूट है, मजा ही आ गया। सॉल्यूट नंबर वन यूरिया, सॉल्यूट नंबर टू ग्लूकोज। क्या दिया हुआ है? गिवन मास, अच्छी बात है, लिख लेते हैं अपने ब्रेन के क्लैरिटी के लिए। मोलर मास, यूरिया आइडेंटिटी पता है तो ऐसे भी मोलर मास निकाल सकते थे, लेकिन जेई वाले बड़े रहम करते हैं, पहले से ही दे देते हैं। क्या इससे अपन मोल्स निकाल सकते हैं? मोल्स, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इक्वल टू सी आर टी। आई लगेगा अगर डिसोसिएशन वगैरह कोई बात हुआ है, यहाँ कहीं पे डिसोसिएशन एसोसिएशन का बातें दिख रहा है? नहीं। यूरिया और ग्लूकोज को पानी में डाला है, 100 ml पानी में, ठीक है। तो सॉल्वेंट क्या हो गया? सॉल्वेंट वाटर, और वाटर का अपने को वॉल्यूम पता है कितना, 100 ml। 100 ml को और क्या लिख सकते हैं? 100 by 1000, 0.1 लीटर, ठीक है। यहाँ पे मोल्स निकाल लेते हैं। गिवन मास बाई मोलर मास, 1 by 100.01, 1.8 by 180, इसका एक और 10 आ जाएगा। 10 अच्छा नंबर है, काफ़ी अच्छा। क्यों? अगर 0.01, 0.01 आ जाए दोनों सॉल्यूट तो अच्छा ही बोलेंगे, और क्या, ठीक है। टोटल सॉल्यूट निकाल देंगे अब ना, इनको आई डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, बोल देंगे टोटल सॉल्यूट का मोल्स कितना है। टोटल मोल्स है 0.01, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है? मोलैरिटी। सी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूले में आपने? मोलैरिटी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल्स ले सकते हैं 0.02, 0.01 दो बार है ना, तो 0.02 आएगा, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 0.1। किसी को दिक्कत है तो पॉइंट हटाए, 10 लिखे, और उसके बाद देखे क्या आ रहा है, यहाँ से 0.2 आ रहा है। ये हुआ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में। अब फॉर्मूला में बैठा देते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी। अब देखिए फॉर्मूला में क्या है ना, आंसर एटीएम में है प्रेशर का, तो जरूर अपने को आर वो वाला यूज करना है जो एटीएम वाला है। अगेन जेई भाई साहब बड़ा रहम दिल वाले, आर का ऐसा वाला वैल्यू दिया है जिसमें एटीएम दिख रहा है, तो मजा ही आ जाना चाहिए। 0.08 ले लेंगे, तो पाई इक्वल टू सी आर टी, सी आया 0.2, आर हम लोग को लेना है 0.08, जेई भाई साहब बता दिए हैं, है ना। क्योंकि ऑप्शंस क्लोज क्लोज नहीं है तो मैं 0.08 ही ले रहा हूँ, क्यों लूँ 2.06, नहीं लूँगा। 4.9, 8.2, 1.6, 2.4 बहुत दूर दूर है, ठीक है। इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है भाई? 27 डिग्री। 27 डिग्री कितना केल्विन होता है? डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दीजिए, कितना पहुँचेंगे? केल्विन में पहुँचेंगे। क्या अब नंबर देखने में डिफ़िकल्ट लगा? नहीं लगा सर, है ना। किसी को पॉइंट देख के डर लगता है तो ऐसा कर ले कृपया करके, 8 2 जा 16, है ना। चलिए ये काट देते हैं, 8 2 जा 16, 16 × 3 48, 48 by 10, तो 4.8 लगभग एटीएम। इससे थोड़ा, 8 से थोड़ा बड़ा था अपना, तो 4.8 से थोड़ा बड़ा आंसर होना चाहिए, ठीक है। 4.8 के लगभग वाला कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। तो सिंपल निकला ये भी, नॉट ए बिग डील, ओके। चलिए, बाय एवरीबॉडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।